अस्सलामुअलैकुम। पहचाना नहीं पहचाना यार, जब सर्दियाँ हो और कोरोना की वबा भी हो फिर ऐसे निकलना पड़ता है, समझ रहे हैं आप। तो मैं यहाँ पर आई हूँ एक जगह पर, और यहाँ पर मैंने आपको एक खाना मैजिक, आपने कभी ये सोचा है कि एक चिंची रिक्शे के अंदर एक रेस्टोरेंट खुल सकता है? नहीं सोचा? अब मैं आपको ये हकीकत में दिखाने वाली हूँ, क्योंकि एक रेस्टोरेंट को मैं बाकायदा खुलते हुए दिखाऊंगी आपको, ठीक है? चले चिकन कॉर्न सूप और इन अ क्विक वे, और यहाँ पे देखिए बिल्कुल फ्रेश बना के दे रहे हैं। मज़े के अंदर ये है कि अमूमन आपको जब भी कॉर्न सूप किसी ठेले में बिखरा होता है ना, तो आपको पतीले में बना हुआ होता है पहले से, लेकिन यहाँ पे हारून भाई जो हैं वो तीन बार बना रहे हैं। चिकन कॉर्न सूप के बाद बारी है मेरे मनपसंद सूप यानी हॉट एंड सॉर सूप की। सॉसेस कौन कौन से आपके अपने हैं, बिल्कुल जो आप लोग ही बनाते हैं? जी मैम, मेन चीज़ यह सॉस है, यह हमारा होममेड स्पाइसी सॉस है। यह हम अपने कम से कम इसका पकाने का प्रोसेस दो से तीन घंटे का इसका प्रोसेस है, वो बनाने के बाद हम घर से इसके अंदर लेके आते हैं। हमारे से सीक्रेट अपना रेसिपी है, जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लोग पसंद करते हैं इस स्पाइसी सॉस को, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। होटलों में तो अक्सर रेडीमेड बना हुआ लाता है, यह हम लोगों ने अपना होममेड बनाया हुआ सॉस। वेरी डिफरेंट, दिस इज समथिंग आपको ढूंढना पड़ता है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता है, और वो भी इतनी लोकल स्पेस में। सो दैट इज़ एन अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान। यार वैसे मैं काफ़ी देर से नज़र लगा रही हूँ भाई तुम्हारे सूप पर। बट यू शेयर नहीं होने वाला, वेरी नाइस। उसके बाद आपको एक के बाद एक लजीज और मज़ेदार खाने, चिकन चाउमिन हो या जलफरेजी या फिर सिंगापुरियन राइस, खाने की खुशबू जो है ना वो आपको दीवाना कर देगी। हाँ भाई, तो ये सीक्रेट मुझे चटनी है ना, उफ वो है। सॉरी यार, ये इतना मज़े का सिंगापुरियन राइस है, मैं बता नहीं सकती। मेरे में एक्चुअली बहुत ज़्यादा पानी आया था, मैंने सोचा कि मैं खाए बगैर तो रिव्यू नहीं दूँगा। मंजूर कॉलोनी में इस जगह मंजूर कॉलोनी में सितारा बेकरी के पास मुझे याकूब ने बताया था, एक्चुअली मैं भूल गई, सॉरी। मंजूर बेकरी में सितारा बेकरी के पास आपको यहाँ आना है, और एमएम डी रियल के पास आना है, और प्लीज़ ये ज़रूर ट्राई करना है। इससे पहले मैंने हॉट एंड सॉर सूप पे बहुत नज़र लगाई है, उस बंदे के पेट में ज़रूर दर्द होगा, मैंने उससे बोला भी था, फिर उसने कहा वो शेयर नहीं करेगा, उसको मैंने बता दिया था बेटा दर्द तो तुम्हें होगा। लेकिन हारून भाई ने इन रिटर्न मुझे बहुत ज़बरदस्त सा सिंगापुरियन राइस बना के खिलाया है, तो मुझे बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि मैं अभी ख़त्म करने वाली हूँ, और आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि मैंने आपको सारा फूड दिखाया है, ठीक है? तो आपको मज़े करने तो आप आ जाए, बाकी आपको यहाँ पर खुद खाना पड़ेगा क्योंकि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती।
मसाले। अच्छा अभी हमारा शेफ अरुण बना रहे हैं नप्पो पेपर चिकन, तो इंशाल्लाह आप इसको ज़रा देखिए, फिर इसके बाद आप इंजॉयमेंट करें और ज़रूर रिव्यू और कमेंट्स वगैरह का फिर लाजिम दिएगा आप। ओके अली भाई, नाम है नक्पो पेपर बीफ। नक्पो पेपर बीफ, नक्पो नक्पो, ये नक्को को आखिर में पे लगा दें नक्पो हो जाएगा, तो नक्पो पेपर बीफ खा रहे हैं अब हम। इससे पहले आपने मुझे देखा था सिंगापुरियन राइस खाते हुए जब मैं चटारे ले रही थी ना, तो अब मैं नक्पो पेपर बीफ खाने वाली हूँ। और मैं पहले बता दूँ, नक्पो कहते हैं काली काली मिर्च को, तो काले को बोलते हैं, तो नक्पो पेपर मतलब काली मिर्च वाला बीफ। चले आ जाए ज़रा, अब ये मैं खाने वाली हूँ। और मैं बता दूं कि आप ये सारी जो फूड हम आज खा रहे हैं, ये हम हारून भाई के मेहरबानी से खा रहे हैं। हारून भाई, यार मेरे मुंह में पानी आ रहा है ज़्यादा। हारून भाई कहाँ है, कहाँ है हारून? हारून भाई, ये रहे हारून भाई। हारून भाई वहाँ से जाके बताएं, तो हरी हारून भाई हम लोग बहुत लालची लालची थे देखिए। एक्चुअली फूड बहुत अच्छा था, मुझे बताएं कि बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? ऊँचा बोलिएगा। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू सो मच, जो हमारे फूड स्टॉल पे है। और यहाँ पे इसका ब्लैक पेपर चिकन, जो नक्पो पेपर चिकन, इसकी फीडबैक बहुत अच्छा है। और महमूदाबाद मंजूर कॉलोनी के अंदर सबसे जो हमारे सबसे ज़्यादा जो चलने वाला है, एक सिंगापुरी है और उसके बाद जो है वो शाजली मंचूरियन वगैरह, पेपर चिकन, पेपर बीफ वगैरह, तो अल्लाह का शुक्र फीडबैक अच्छा है यार। मैं जो है वो इन्जॉय कर रही हूँ नक्पो पेपर बीफ को, और आप लोग तो मुझे देख के ही मुँह में पानी लेकर आ सकते हैं, क्योंकि मैं तो आपको खिलाऊंगी नहीं। खाना है तो आपको मंजूर कॉलोनी आना पड़ेगा, स्पेशली सितारा बेकरी के पास, और यहाँ पे आके आप फूड इंजॉय करें। और बहुत नॉमिनल प्राइस में बेहतरीन सुपर एक्सट्रीम चाइनीज़ फूड, और हमारी जो ट्रेडिशनल फूड है उसका फ्यूजन जो है ना, वो भी आप खाएँ, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो अरे भाई क्या बोल रहे हैं आप, जल्दी बोलिए। और इसके अंदर हम लोग एक स्पाइसी सॉस इसके साथ साथ रखा हुआ था, ये हमारा अपना एक होममेड सॉस है। मैक्सिमम इसको बनाने के लिए हमारा 3 से 4 घंटे लगते हैं, हम इसको यहाँ स्पेशली लॉन्च किया हुआ है। तो इंशाल्लाह आप ज़रूर आए, इस स्पाइसी सॉस को इन्जॉय करें, क्योंकि ये हर रेस्टोरेंट में भी मिलता नहीं है। बेसिकली हम ये दुबई के अंदर ये सारा काम सीख के आया हुआ है, तो यहाँ पर हमने इसको लॉन्च किया हुआ है। ये जो स्पाइसी सॉस है हमारी अपनी एक रेसिपी है, सीक्रेट रेसिपी है, तो इंशाल्लाह आप आए खाएँ और इसको इन्जॉयमेंट करें। भाई अली भाई ये कह रहे हैं बेसिकली वो अपनी सीक्रेट रेसिपी बताएंगे नहीं, ये बता रहे हैं बेसिकली। इन शॉर्ट सामरी ये है उसकी कि अली भाई नहीं बताएंगे। यार ये जो रेड चटनी है ना, इसकी एक सीक्रेट रेसिपी है, तो वो जो सीक्रेट रेसिपी वाली चटनी है उसका सोच कर भी मेरे वो पानी आ रहा है, क्योंकि वो तकरीबन हर डिश के साथ यहाँ पे सर्व की जाती है। आई नो कि चाइनीज़ इतना सुपर स्पाइसी चटनी नहीं खाते होंगे, लेकिन पाकिस्तान में तो आपको देसी तड़के के बगैर चाइनीज़ फूड, अगर मतलब कैसे यार, कैसे आप कैसे छोड़ सकते हैं इतनी अच्छी फूड, तो इसलिए आप जाएं, प्लीज़ आप लोग जाएं, बहुत हो गई। मैं जो है वो आप ये नक्पो पेपर बीफ ट्राई करने वाली हूँ, ठीक है, सारे लिंक्स नीचे प्लीज़। और यहाँ महमूदाबाद नंबर 6 सितारा बेकरी के पास, मैंने बड़ी मुश्किल से एड्रेस याद किया, क्योंकि थोड़ी देर पहले मुझे हारून भाई ने कह रखा है, मैं मंजूर कॉलोनी बोल रही थी, ठीक है। महमूदाबाद आना है, महमूदाबाद नंबर 6 सितारा बेकरी के पास, ठीक है। ये स्टॉल है, आइए हारून भाई को देखिए और हारून भाई के हाथ का फूड खाइए, और मैं खा रही हूँ, मुझे बाकी लिख दीजिए। टाटा, अल्लाह हाफिज़।